हेलो चिल्ड्रेन, स्नेहा मैम, क्लास टीचर ऑफ स्टैंडर्ड 2 आर्म्स स्कूल। चिल्ड्रेन, वी विल डू रिवीजन सब्जेक्ट सोशल स्टडीज टॉपिक फूड दैट नरिशेस अस। फूड जो हमें भोजन जो हमें पोषण देता है। ईटिंग हेल्दी फूड इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ भोजन हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ भोजन खाना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स वी शुड ईट। यहाँ बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के भोजन हैं जो हमें खाने चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर बनाने वाले भोजन, एंड फूड दैट गिव अस द पावर टू रेसिस्ट इलनेस। और उस प्रकार के भोजन जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं, मदद करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड लाइक राइस, चपातीज एंड सुगर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। एनर्जी यानी जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं गिविंग फूड, जैसे चावल, चपाती एंड सुगर, चीनी हमें ऊर्जा प्रदान करती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक मिल्क, मीट एंड फ्लेश हेल्प अस ग्रो। शरीर बनाने वाले भोजन हैं जैसे दूध, मीट, मांस और मछली हमारे शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प अस स्टे फिट एंड फाइट इलनेस। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और फल हमें मदद करते हैं फिट रहने में, स्वस्थ रहने में और फाइट करने में बीमारियों से। वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए जो हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व देते हों। वी ईट 3 meals डेली। हमें 3 meals जरूर प्रतिदिन लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच एंड डिनर रात का खाना। वी नीड टू फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। हमें अच्छे खाने की आदत को डालनी चाहिए जो हमें स्वस्थ रखता है। हमें गुड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ चिल्ड्रेन, आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वी ईट। कौन वो डिफरेंट काइंड्स यानी विभिन्न प्रकार के भोजन क्या हैं जो हमें खाने चाहिए। तो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वी ईट आर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड फूड दैट गिव अस द पावर टू रेसिस्ट इलनेस। वो विभिन्न प्रकार के भोजन जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर को बनाते हैं और जो हमें रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, वैसे भोजन हमें खाने चाहिए, लेने चाहिए। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? अ बैलेंस्ड डाइट इज़ अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। बैलेंस्ड डाइट एक प्रकार का डाइट है, आहार एक डाइट है जो जिसमें होते हैं प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व, सही मात्रा में जो रहते हैं वो बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। हाउ डज़ एक्सरसाइज हेल्प अस। एक्सरसाइज यानी व्यायाम हमें किस तरह से हमारी मदद करता है, कैसे मदद करता है? तो एक्सरसाइज हेल्प्स ब्लड सर्कुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कीप अस फिट। व्यायाम से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है और उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्हाट आर गुड ईटिंग हैबिट्स। गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है? तो गुड ईटिंग हैबिट्स आर वी शुड ईट स्मॉल प्रोपोर्शन एंड च्यू फूड प्रॉपरली। गुड ईटिंग हैबिट्स है हमें खाने का छोटा निवाला लेना चाहिए और उसे पूरे अच्छे तरह से चबाना, च्यू करना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमें खाना खाने के पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अवश्य धोना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जल पीना चाहिए। नेम सम फूड आइटम्स दैट नॉन वेजिटेरियंस ईट। नॉन वेजिटेरियंस यानी मांसाहारी के कुछ भोजनों के नाम बताएं। सम फूड आइटम्स दैट नॉन वेजिटेरियन ईट आर फिश, मीट एंड एग्स। नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारियों के लिए कुछ भोजन के आइटम्स हैं फिश यानी मछली, मीट, मांस और अंडे।